हाँ प्यारे बच्चों, अब तक 6.1 क्वेश्चन भी थे, 19 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। इसके बाद आज फिर आपका स्वागत है मेरी क्लास में। और अब क्वेश्चन नंबर 22वां, A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री है, सिद्ध करना है। ये आपको दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि भाई cot A माइनस B बराबर cot A इंटू cot B प्लस 1 बटे cot B माइनस cot A। देखो, जब कोई प्रश्न सिद्ध किया जाता है तो उसके दो पक्ष होते हैं, इसके दो पक्ष होते हैं, एक तो सीधे हाथ वाला राइट हैंड साइड और एक बाम पक्ष होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेना है ये एल एच एस पार्ट, इसका बाया पक्ष, और दाया पक्ष यानी राइट हैंड साइड वो बाद में देखना है। सबसे पहले हमें यहां से हल करना है भाई, सबसे पहले बायां पक्ष लेने पर यानी एल एच एस पक्ष लेने पर बराबर से पहले यहां से यहां तक हमारा क्या कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड भाई cot A माइनस बी। दोनों पक्षों को बराबर लेके ना चले, कभी भी ध्यान रखना, आपको अलग अलग पक्ष ही सिद्ध करना है सिद्ध करने वाले सवालों में। तो पहले हमें A का B का मान रखना है, भाई A का मान हमारे पास 60 डिग्री है, B का मान हमारे पास 30 डिग्री है, तो भाई A बराबर 60 तथा B बराबर 30 डिग्री का मान रखने पर अब हमें देखिए A की जगह में 60 कर देना है, B की जगह 30 कर देना है भाई। तो देखो cot का तो cot आएगा भाई, ब्रैकेट A का मान हमारे पास 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, A की जगह 60, B की जगह 30, तो 60 में से 30 बन जाएंगे, हमारे पास मिलेगा भाई cot 30 डिग्री। अब सारणी से क्योंकि cot 30 का जो मान होता है वो अंडर रूट 3 के बराबर होता है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 3 बराबर एल एच एस। तो अब हमें यानी cot ब्रैकेट A माइनस बी लेकर के, तो cot A का यानी जो A का मान है वो 60 है, B का मान जो 30 है, 60 में से 30 जाएगा तो cot का मान 30 डिग्री आ जाएगा, और cot 30 का मान हम 6.1 की सारणी से अंडर रूट 3 साइन यानी tan 60 के बराबर होता है, तो अंडर रूट 3 प्राप्त कर लेते हैं। अब लेना है हमको RHS भाई, एक पक्ष तो गया हमारा, दूसरा पक्ष हमें लेना है, दूसरा पक्ष हमारे पास है भाई cot A into cot B प्लस 1 बटे cot B माइनस cot A, तो हमें अब ये वाला पक्ष ले लेना है। तो भाई cot A into cot B, cot B प्लस 1 बटे भाई cot B माइनस cot A। अब A बराबर 60 और B बराबर 30 डिग्री आपको दिया है भाई, तो A मानों को हमें A के स्थान पर 60 करना है, B की जगह हमें रखना है 30 डिग्री,
जगह रखना है हमको 30 डिग्री प्लस 1 बटे बाई कॉट बी का मान 30 डिग्री माइनस कॉट ए का मान 60 डिग्री। अब आपको अपने सारे से मान तो भाई कॉट 60 का मान आपको मिलेगा 10 30 के बराबर अर्थात 1 बटे अंडर रूट 3। भाई कॉट 60 का मान देखिए सारणी के अंदर कॉट 60 का जो मान होता है वो सारणी में कॉट के सामने और 60 के नीचे आपको मिलेगा कॉट के सामने और 60 के नीचे मिलेगा आपको 1 बटे अंडर रूट 3 1 बटे अंडर रूट 3 और कॉट 30 का जो मान मिलेगा वो मिलेगा आपको अंडर रूट 3। तो भाई इनको रख देते हैं कॉट 60 का मान 1 बटे में अंडर रूट 3 गुणा कॉट 30 का मान अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 1 बटे में ये तो आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 बटे इसका मैं लघुगणक लेना पड़ेगा। देखो ये तो कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा यहां बचेगा भाई आपको 1 प्लस 1 बटे इसका लघुगणक आएगा हमारे पास अंडर रूट 3। तो बेटा अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो रूट 3 गुणा होगा रूट 9 का वर्गमूल आता है 3। तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो क्या जाएगा हमारे पास 3 और माइनस यहां जाएगा 1। तो भाई इसके बाद अब हमारा आ रहा है एक और एक कितना हो रहा है यहाँ 2 आ रहा है 3 में से गया तो 2 बटे अंडर रूट 3। तो भाई ये कहाँ चला जाएगा ऊपर गुणा करेगा तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल जाएगा वो आएगा 2 गुणा अंडर रूट 3 क्योंकि ये और ये इसका गुणा होना है इसका गुणा बटे में रह जाएगा 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा निकल के आएगा हमारे पास अंडर रूट 3 और ये चल करके इसके बराबर आया एल एच एस के बराबर। तो एल एच एस